done. Assalamu alaikum students, kaise hain aap log? Today we are performing water of crystallization. Year is 9701, 30 November 33. Water of crystallization के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ, मुझे एक hydrated salt given होगा, उस hydrated salt को मैं masses note करूँगा, उसको heat करूँगा, heat के दौरान during the heating जो है उसमें से water molecules evaporate हो जाएंगे और फिर उसको दोबारा से मैं mass note करके water loss निकालूँगा और anhydrous mass of जो भी हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो मालूम कर लूँगा और फिर उसके बाद जो इसकी फर्दर कैलकुलेशन है उसको भी देखेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैंने 2 times परफॉर्म करना है। मैंने एयर मेंशन कर दिया है तो आप लोग इसका एयर सामने रख के मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूँ। पहले मैं रीड करके इसके हेडिंग्स बनाऊँगा, उसके बाद मैं फिर परफॉर्म करना शुरू करूँगा। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एपरेटस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि कौन कौन से एपरेटस हम लोग यूज़ करेंगे। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर यूजिंग these apparatus: pipe clear triangle, tripod stand, crucible cap, it's called lid. Here is the tong, spatula, stopwatch, or a lighter. These are the apparatus we are using for the water of crystallization. First, I will read the instruction and we will make the table. ओके, आई विल रीड द इंस्ट्रक्शन एंड मेक अ टेबल, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। मैथड ए, रिकॉर्ड ऑल द वेइंग्स इन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेबल। तो मैंने टेबल बना लिया है, फिर मुझसे कह रहे हैं रिकॉर्ड द मास ऑफ द एम्प्टी क्रूसिबल। तो फर्स्ट हेडिंग है मेरे पास मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल। Mass of crucible, mass of crucible slash gram. First heading ये मेरे पास crucible, empty crucible doesn't matter. Okay, फिर मुझसे बोल रहे हैं add between 2.0 to 2.4 gram of Fe5 into the crucible. तो second heading is mass of crucible plus Fe5, mass of crucible plus Fe5 before heating slash gram. अच्छा, बिफोर हीटिंग पहले मेंशन कर दो ताकि आप लोगों को आसानी हो कि भाई ये हीटिंग से पहले का मास है मास ऑफ क्रूसिबल प्लस Fe5, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट डन। द थर्ड पॉइंट इज यूज अ पाइप क्लियर ट्रायंगल। अच्छा, फिर वो मुझसे बोल रहे हैं कि वेइंग बैलेंस के सॉरी पाइप क्लियर ट्रायंगल के ऊपर क्रूसिबल रखो, उसको फिर हीट करो, वो सारा प्रोसीजर है। मैं उसको थोड़ा सा स्किप करके, क्योंकि मैं टेबल बना रहा हूँ तो पहले टेबल से रिलेटेड सारे मैं हेडिंग्स ऐड कर दूँ। मुझसे बोले व्हेन द क्रूसिबल इज कूल रिमूव द लिड एंड वेयर द क्रूसिबल विद द रेजिड्यू। तो नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास आएगी। अच्छा, उससे पहले बेटो मैं फर्स्ट में से सेकंड हेडिंग या फिर सेकंड में से फर्स्ट हेडिंग को माइनस करूंगा तो आई विल गेट मास ऑफ Fe5 यूज्ड स्लैश ग्राम। ओके, इनको मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूँ तो मास ऑफ Fe5 यूज आ जाएगा। देन मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, विद द क्रूसिबल विद द रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग, मतलब हीटिंग करने के बाद क्रूसिबल जब ठंडा हो जाएगा उसको मैं दोबारा से मास वे करूँगा और मेरे पास हेडिंग आ जाएगी मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू स्लैश ग्राम। अच्छा, इसके आगे मैं मेंशन करूंगा आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग नेक्स्ट, रिकॉर्ड द मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2। अनदर हेडिंग इज
एनहाइड्रस बी ए सी एल टू स्लैश ग्राम, ये तो मैं कैलकुलेशन के थ्रू निकालूंगा, मास ऑफ एनहाइड्रस बी ए सी एल टू, और फिर द नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग इज मास ऑफ वाटर लॉस्ट. मास ऑफ वाटर लॉस्ट. ओके, तो मैंने सारी हेडिंग्स यहाँ पे कॉपी कर ली हैं. अब मैं एक्सपेरिमेंट को अपने परफॉर्म कर सकता हूँ. आई एम स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल नाउ. फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड द मास ऑफ द एम्प्टी क्रूसिबल. ओके, हियर इज द वेइंग बैलेंस, इट इज ऑन, और क्रूसिबल को मैंने इस पर रखा, तो 18.25. आई विल राइट इट हियर 18.25. Okay. Now the second point is add between 2.0 to 2.4 gram of FF5 into the crucible. Crucible ये रहा. अच्छा, crucible में 2.4 के दरमियान का मैंने mass transfer करना है, तो मैं क्या करूँगा, 18.20 में, ये रहा मेरे पास calculator, 18.25 में, 18.25 में मैं ऐड कर दूंगा. देखो 2.0 से 2.4 है ना, तो कोई बीच का मास ले लो ताकि थोड़ा सा अप एंड डाउन हो तो बैलेंस हो सके. मैं लेता हूँ 2.2. तो मेरे पास वेइंग बैलेंस पे मैं इतना मास इसमें ऐड करूंगा कि मेरे पास वेइंग बैलेंस पे रीडिंग आ जाए 20.45. थोड़ा सा ज्यादा इसमें से निकाल लेंगे. Now done. 20.45 या 46, it's okay. Now the second point I have done, mass of crucible plus FF5 is 20.45. अच्छा बच्चों, मैं इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, 20.45 में से मैंने माइनस किया 18.25, तो मेरे पास आ जाएगा 2.20. अब मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे जो रेंज गिवन थी 2.0 से लेकर 2.4 के दरमियान, तो मैं रेंज के अंदर हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज अ पाइप क्लियर ट्रायंगल टू सपोर्ट द क्रूसिबल एंड इट्स कंटेंट. ये रहा क्रूसिबल, उसके अंदर कंटेंट्स है, तो उसमें एक नज़र रख के चेक कर लीजिएगा कहीं निकल के ना गिर जाए. ओके, ये मैंने रख दिया ट्राइपॉड स्टैंड, इसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर पाइप क्लियर ट्रायंगल रख दिया, और ये क्रूसिबल को मैंने इसके ऊपर रखा. और नेक्स्ट हीट द क्रूसिबल एंड इट्स कॉन्टेंट जेंटली फॉर 1 मिनट विद द लिड ऑफ. लिड हटा के मैंने 1 मिनट तक इसको हीट करना है. इसको मैं साइड में रखता हूँ. जेंटली मीन्स हम लोग इसको हल्की आंच पे 1 मिनट के लिए इसको हीट करेंगे. वन मिनट के लिए हम लोग इसको जेंटली करना, और फिर स्ट्रांगली 4 मिनट के लिए. अच्छा, आफ्टर 4 मिनट्स, मतलब 1 मिनट जेंटली 4 मिनट स्ट्रांगली हीटिंग के बाद, इसको मैं कूल डाउन होने के लिए नीचे रख दूंगा, और फिर आफ्टर कूलिंग मतलब आफ्टर हीटिंग मैं दोबारा से वेइंग बैलेंस पे रखूंगा, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू नोट कर दूंगा. 1 मिनट के बाद इसकी फ्लेम मैं तेज कर दूंगा, और ओके 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद मैं इसकी फ्लेम कब तेज कर देता हूं लाइक दिस. ओके, तो ये जैसे 5 मिनट होते हैं हम लोग फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, 5 मिनट्स डन, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे, तो इसको आफ्टर 5 मिनट्स दे आर सेइंग पुट द लिड ऑन क्रूसिबल एंड लीव टू कूल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स. इसको मैं होल्ड करूँगा लाइक दिस, और होल्ड करने के बाद यहाँ नीचे रख दूंगा और इस पर लिड लगा दूंगा. मेक श्योर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, हाथ ना लगाना है इसको डायरेक्टली. ओके, तो 10 मिनट के लिए इसको मैं, 10 मिनट के लिए नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए रखता हूँ, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मैं ज़रा इसकी जगह से मूव करता रहूँगा. वाइट टाइल है, तो टाइल के ऊपर हीट ट्रांसफॉर्मेशन तेज़ी से होता है,
तो ये जैसे ही ठंडा हो जाता है फिर मैं इसका मास नोट कर लूँगा। ओके स्टूडेंट, मुझे एटलीस्ट 5 मिनट तो हो चुके हैं, तो इसको मैं जस्ट टच करके देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको उठा सकता हूँ। वैन यू कैन पिक अप द क्रूसिबल, रीवे द क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू। इट्स कमिंग 20.17, इट्स कमिंग 20.17 मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग 20.17। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिकॉर्ड द मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2। मैंने रिकॉर्ड, अच्छा अभी वो फाइंड आउट करना है, तो मैं हाथों हाथ इसको भी पहले मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2। एनहाइड्रस BaCl2 का मतलब कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट ना हो और ना ही क्रूसिबल वगैरह, तो मैं कौन सी हेडिंग में से कौन सी माइनस करूँगा वो मैं चेक करता हूँ। तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, 4 माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 आ जाएगा, क्योंकि देखो 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्रूसिबल है और एनहाइड्रस BaCl2। रेजिड्यू जो है, जो मास बच गया, बचा कौन सा है, एनहाइड्रस BaCl2। ओके, इन दोनों में से जब मैं क्रूसिबल को माइनस कर दूंगा तो रेजिड्यू का मास आ जाएगा। बेसिकली रेजिड्यू क्या है, एनहाइड्रस BaCl2। ओके, क्योंकि इसमें से वाटर इवेपरेट हो चुका है, तो मैं फिफ्थ के लिए क्या कौन कौन सी हेडिंग माइनस कर रहा हूँ, 4 माइनस 1। 4 हेडिंग में से 1 माइनस करो, 20.15 में से 20.17 माइनस ऑफ 18.25 1.92 मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 इज कमिंग 1.92। ओके, मास ऑफ वाटर लॉस निकालना है, कैसे निकालेंगे, एनहाइड्रस में से Fe5U निकाल लो। देखो Fe5U में वाटर मॉलिक्यूल्स थे, एनहाइड्रस में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा कौन कौन सी हेडिंग्स को, 3 माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास वाटर लॉस आ जाएगा, 3 माइनस 5। ओके, तो करके देखते हैं, 2.20 माइनस 1.92 0.28 ग्राम ऑफ वाटर लॉस आ गया मेरे पास। ओके, तो मेरे पास पॉइंट था री वे द एम्प्टी क्रूसिबल फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, री वे द एम्प्टी क्रूसिबल, एम्प्टी क्रूसिबल इज हियर 18.24। देखो लास्ट डिजिट जो है वो फ्लक्चुएट तो करेगा, 18.24 बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है, नहीं आया तो कोई इशू नहीं। ओके, था री वे द एम्प्टी क्रूसिबल फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, री वे द एम्प्टी क्रूसिबल, एम्प्टी क्रूसिबल इज हियर 18.24। देखो लास्ट डिजिट जो है वो फ्लक्चुएट तो करेगा, 18.24 बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है, नहीं आया तो कोई इशू नहीं। ओके, मुझसे कह रहे हैं दिस टाइम कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट अगेन, दिस टाइम यूज बिटवीन 1.5 से 1.9 ग्राम ऑफ Fe5। तो मैं इन दोनों मास के, इन दोनों रेंज के दरमियान का मास लूँगा 1.7, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा कम हो तो मैं रेंज के अंदर ही रहूँ। तो 1.7 में प्लस कर दूंगा मैं 18.24, 19.94। मेरे पास क्रूसिबल में मैं इतना मास ऐड करूंगा कि मेरे पास वेइंग बैलेंस पे रीडिंग आएगी 19.94। था ना, थोड़ा सा कम हो गया है, 19.89 आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूँ, माइनस डिफरेंसेस है, ज़्यादा नहीं, 19.9
19.92. तो अब जब मैं इन दोनों वैल्यूज को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी माइनस ऑफ 18.24, 1.7 ग्राम. दिस टाइम 1.70 ग्राम. आई एम यूजिंग द मास ऑफ FA5 यूज्ड. वही सेम प्रोसीजर होगा सेकेंड एक्सपेरिमेंट का भी, कि मैंने मास नोट कर लिया, फिर इसको हीटिंग पे रखना है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जेंटली, और फिर 4 मिनट के लिए स्ट्रांगली. इसको दोबारा बर्नर ऑन करने से पहले, बर्नर ऑन करने से पहले क्रूसिबल को फ्लेम के इसके ऊपर रख दीजिए, पाइप के ट्रायंगल पे. आगे इसको थोड़ा ऊपर कर दो ताकि ओके, मैंने जेंटली स्टार्ट कर दिया है हीटिंग. थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी टाइम हो जाता है डजंट मैटर. तो मैंने जेंटली स्टार्टिंग कर दी हीटिंग, 1 मिनट तक इसको जेंटली हीट करेंगे और फिर उसके बाद स्ट्रांगली हीट करेंगे. तो मैं 5 मिनट बाद दोबारा आपके पास. ओके स्टूडेंट, तो 5 मिनट्स हो चुके हैं. टर्न ऑफ द बंसन बर्नर. टोंग से इसको उठा के मैं दोबारा से इसको यहीं पे रखूंगा और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा. और इसको अभी 5 मिनट तक या 2-3 मिनट तक देखता हूँ, जैसे ही ठंडा होगा मैं दोबारा से ऑन करके रीवे कर लूँगा. ओके, आफ्टर 5 or 6 मिनट मेरे पास ठंडा हो चुका है ये क्रूसिबल. तो मैं इसको उठा के वेइंग बैलेंस पे रखूँगा. अच्छा, वेइंग बैलेंस पे रखने के लिए ज़रूरी है कि बेटा ये क्रूसिबल इतना ठंडा हो कि मैं एटलीस्ट इसको उठा के रख सकूँ, वरना ये जो पेंट होता है ना वेइंग बैलेंस पे, ये चिपक जाता है, स्टिक कर जाएगा. तो मेरे पास वेइंग बैलेंस पे मास आ रहा है 19.69. कौन सा मास आएगा? मास ऑफ क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग 19.69. बेटा मैं माइनस करूँगा मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 निकालने के लिए मैं 4 - 1 करूँगा. तो 4 हाइडिंग क्या है, 19.69 में से मैं माइनस कर दूंगा 18.24. मेरे पास आ रहा है 1.45 ग्राम ऑफ NHydrous BaCl2 आ गया. नेक्स्ट 3 - 5 हेडिंग में से 3 में से 5 को माइनस करेंगे, मतलब 1.70 में से फिफ्थ हेडिंग कौन सी है, 1.70 में से 1.45 को मैं माइनस करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया है मास ऑफ वाटर लॉस्ट. जब मैंने ज़्यादा मास लिया था 2.2 ग्राम तो वाटर लॉस भी ज़्यादा आया था. जब मैंने 1.7 ग्राम लिया तो मेरे पास उसके लिहाज से थोड़ा कम वाटर लॉस्ट आ रहा है. ओके तो एज यू नो, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम परफॉर्म किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ठीक है, तो ये तो थी हमारी कैलकुलेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, सारी के सारे टेबल के अंदर हेडिंग्स वगैरह और उससे रिलेटेड जो भी रीडिंग थी. तो अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.